ये लड़ाई सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन की बिल्कुल नहीं है, ये चंडीगढ़ के प्रदर्शन की बिल्कुल नहीं है, विस्थापक की बात बिल्कुल नहीं है, ये बात है लंबी लड़ाई की, ये बात है इन सवालों की कि ये हो क्यों रहा है और ये हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कौन बोलेगा। इस बात पे हमें चर्चा करनी होगी, ये हमें समाज के अंदर, आज हम जितने लोग इकट्ठे हैं, हमें समाज के अंदर ये लेके जाना पड़ेगा और ये सवाल पूछना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, विद्यार्थी कैंपस के अंदर आता है वो पढ़ने आता है, मरने नहीं आता है, वो पढ़ने के लिए आया था, वो बड़े बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन आज वो अपने सपनों को दबा के, अपने आप को दबा के वो अपने आप को मार देता है। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है वो उड़ान भरे तो कैसे भरे, वो जो सपने लेके आया था उसके लिए, उसको मारने के लिए जिम्मेदार है तो कौन है। और ये सरकार कहती है, जिस तरीके का अटैक चंडीगढ़ के अंदर प्रदर्शन के अंदर हुआ है, जब लड़कियों के साथ गलत हुआ तो वो बोल भी नहीं सकती। इस तरीके का माहौल हमारे आसपास बनाया जा रहा है कि वो बोल भी नहीं सकती। आपके ऊपर हमले किए जाते हैं, आपका दुपट्टा खींच लिया जाता है, आपके रोड के ऊपर चलते हुए आपके ऊपर कमेंट किए जाते हैं, आपके अंदर अश्लील वीडियो बनाया जाता है, हॉस्टलों के अंदर घुस के अश्लील वीडियो बनाया जाता है, आप घरों के अंदर आपको पढ़ाई करने से रोक दिया जाता है। और ये सरकार के मंत्री क्या क्या जवाब देते हैं, कहते क्या बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझा लेंगे। आपने क्यों नहीं समझाया? निर्भया के साथ जो हुआ वो भूल गया होगा देश, निर्भया के साथ जो हुआ हम लोग नहीं भूले हैं, हम लोगों को याद करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये लगातार बढ़ता जा रहा है, आज विशाखा है, कल कोई मंजू हो गई, कल कोई रीना हो गई, कितने ही लोगों को सुसाइड करने से आप बचा पाओगे? अगर बचाना है तो सवाल उठाने पड़ेंगे और वो सवालों को जिंदा करना पड़ेगा जो लोगों के जहन में मार दिए गए ना सरकार ने, व्हाट्सएप फेसबुक मीडिया जिस तरीके से फैलाया जा रहा है ना, और लोगों के दिमाग की जो शक्ति है उसको कुंद किया जा रहा है कि सोचे नहीं, बड़े बड़े विज्ञापनों के जाल में फंस कर ये नहीं सोचे कि आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आज हमारे रोजगार के साथ क्या हो रहा है, आज हमारे विद्यार्थी के साथ क्या हो रहा है, वो क्यों सड़कों पे, आज वो उनको क्यों पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, ये बात हमें सोचनी पड़ेगी, ये सवाल उठाने पड़ेंगे और इसका जवाब सरकार से मांगना पड़ेगा, क्योंकि कोई जिम्मेदार नहीं है इस बात के लिए, सरकार जिम्मेदार होती है। क्योंकि किसी भी परिवार में कुछ होता है ना तो उसका मुखिया से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तो हमारे देश के मुखिया से पूछना पड़ेगा कि साहब आप क्या कह के आए थे सरकार में, आप उस दिन कहते थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे बेटी जहाँ महिलाओं के बलात्कार कराएंगे, लड़कियों के बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों को भी बख्शा नहीं जाता है, ऐसे बचाएंगे बेटी, ऐसे पढ़ाएंगे बेटी, कहाँ दिखता आप अडानी अंबानी के साथ व्यस्त हैं, आपके साथ विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है, अध्यापकों के साथ क्या होता है, कर्मचारियों के साथ क्या होता है, इस बात की आपको कोई चिंता नहीं है। आपके विदेश दौरे खत्म होते हैं तो आपका सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, आप चित्ते पालने लग जाते हैं, लेकिन आपको इस देश की चिंता कतई नहीं। इस बात की चिंता हमें करवानी पड़ेगी, हमें ये सवाल उठा उठा के उनके जहन में बिठाना पड़ेगा कि अगर महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो ये देश आबाद रहेगा, अगर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो ये देश आबाद रहेगा, सबके लिए रोजगार होगा तो ये देश आबाद रहेगा। और हम इस देश की चिंता करने वाले लोग हैं, हम वो प्रगतिशील ताकतें हैं जो ये काम कर सकते हैं, इस बात के लिए हमें सवाल उठाने पड़ेंगे। सुसाइड करना बहुत छोटी बात नहीं है, हम आज बात करके यहाँ से निकल जाएंगे, उस लड़की की मानसिकता को हम समझ भी नहीं पाएंगे, एक परसेंट के लिए भी नहीं समझ पाएंगे उसके दिमाग में क्या चला होगा, वो अपने कैसे लड़ भिड़ के किस तरीके से वहाँ के माहौल को बर्दाश्त करके पढ़ाई करने के लिए निकली होगी, उसने सपने संजो संजो के पाले होंगे कि वो एक दिन ये बात ये काम करके दिखाएगी जो वो करना चाहती है, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिस दर्द से वो गुजरी होगी। इस बात के लिए हमें सवाल उठाने पड़ेंगे कि ऐसे ऐसी मानसिकताओं के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन धकेल रहा है हमें इन चीज़ों के अंदर, कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए। कहते हैं ना आप, अभी हम बात करते हैं, कहते हैं कि अभी तो लड़कियां सुरक्षित है, अच्छे कानून है हमारे लिए, सारी चीज़ें हमारे लिए, लेकिन हैं कहाँ, कानून काम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ है जी एस कैस एक्टिव हमारे पास, होनी चाहिए ना, ताकि इस तरीके की मानसिकता से हम बच पाएँ।
हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कह देते हैं, क्या हो गया भाई, बड़ी बात नहीं है। वो आए थे तो कहते थे रेप होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लड़कियों को अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनका दुपट्टा ढक के चलना चाहिए, उनको जीन्स नहीं पहननी चाहिए। अगर हमारे देश के नेता ऐसा होंगे तो हम सोच सकते हैं ये देश किस गर्त में धकेला जा रहा है। इस बात के लिए हमें चिंता है बहुत ज़्यादा। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात इतनी सोच रखता हो, हम उम्मीद कर सकते हैं वहाँ की जनता जो होगी वो किस, वैसे ही हरियाणा का जो कल्चर है वो बहुत पैट्रियार्कल रहा है। उस पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर से निकल के विशाखा जैसी लड़की का बाहर आना और सर्वाइव करना और उसके बाद हार मान लेना, इसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग भी हैं और सोसाइटी भी, और जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा सरकार। इस सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें पढ़ाना भी नहीं चाहती है, हमें रोजगार भी नहीं देना चाहती है, ये सब कुछ बेच देना चाहती है अपने आकाओं को। उन आकाओं से हमें देश को बचाना पड़ेगा साथियों। ये लड़ाई हमारी बहुत लंबी होने वाली है, इस लड़ाई को लड़ते रहने का जज्बा हम सब लोगों के दिलों के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ये मुहिम जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, हमारा देश जिंदा रहेगा। कोई नहीं पूछेगा उस दौर के हुस्न कब कमरे में दाखिल हुआ, लोग पूछेंगे तो ये उस दौर के फनकार खामोश क्यों थे, लोग पूछेंगे तो ये अगली जो पीढ़ियाँ आएंगी, जब हमारा देश बर्बाद हो चुका होगा तो अगली जो पीढ़ियाँ आएंगी ना हमसे ये पूछने वाली है कि आप लोग क्या कर रहे थे उस समय, आपके साथ जब ये हुआ तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे। ये सवाल का जवाब हमें देना पड़ेगा, उन आकाओं को नहीं देना पड़ेगा। इस बात का को हमें तय करना पड़ेगा, हमें अपना देश कैसा बनाना है, कैसे चलाना है, क्योंकि सरकार तो निरंतर लगातार हमले कर रही है महिलाओं के ऊपर। कितनी ही महिलाओं को आप निकाल पाएंगे, कितनी महिलाओं को आप बचा पाएंगे, अब अकेले निकलने लगे तो कितनी महिलाएं, आप खुद भी देखते होंगे अपने घरों के अंदर, आप एक बार घुस के तो देखिए, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं जिसके अंदर जो सदियों पहले महिलाओं ने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हैं, आज वो पढ़ भी रही है, लिख भी रही है, रोजगार भी कर रही है और अपने दम पे किया सब कुछ, लेकिन सदियों पहले जो उनके हालात थे ना, ये हमें वापस वहीं पहुँचाना चाहते हैं। इस मानसिकता के साथ ये सरकार वापस आई है कि पूरा का स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म करके हमें वापस लेके जाना है। महिलाएं कैसे कर लेंगी भाई, इनकी आन बान शान का को फर्क पड़ जाता है, महिलाएं कैसे करेंगी, आज कैसे हिम्मत हो गई कि लड़कियां हमसे, लड़कों से ऊपर निकल के खड़ी हो जाती हैं। लड़के तो आखिर लड़के हैं, इस मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा, इनके जहन से ख़त्म करना पड़ेगा। इस बात की जो गारंटी है वो हमें उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी, हम ये काम करके दिखाएंगे और हम इस बात के लिए लगातार लड़ते रहेंगे कि सरकारी शिक्षा बची रहे, सरकारी रोजगार बचा रहे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तरीके से संस्थान जो है स्थापित किए जाएं कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और वो ऐसी मानसिकता तक ना पहुंच पाएं। इस बात की जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी और लगातार हमें ये प्रयास करते रहने पड़ेंगे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी इसी मुहिम में लगातार लगे रहेंगे। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद।